हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद त्रिवेणिका। और आज एक और मधुबनी पेंटिंग हम यहाँ सीखेंगे। तो आज की जो पेंटिंग है उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रुस्ट्रो की 200 कोल्ड प्रेस्ड जीएसएम शीट, और इसका जो साइज़ है वो A4 साइज़ है। और यहाँ कलरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रुस्ट्रो के आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर्स, इनका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। इनको एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो पैकेट है इसका जो रेंज है वो 769 अराउंड है, और इसमें पूरे 24 शेड्स इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये इजी है, आपको बहुत ज़्यादा कलर मिक्सिंग नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, कलर्स के शेड्स नहीं बनाने पड़ेंगे। और निब पेन से ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्रिलिक कलर की बॉटल में थोड़ा सा वाटर को डिसॉल्व करके उसको मिलाकर और एक इंक तैयार कर ली है, और इसको मैं ड्रॉ करूँगी निब से। तो यहाँ पर मैं ये सबसे छोटी वाली निब जो है आप देख रहे हैं इसको यूज़ करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं एक और मधुबनी डिज़ाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम जैसे कि मैंने बताया है आपको, मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर बनाना ज़रूरी होता है। तो इस पेंटिंग को मैं विदाउट बॉर्डर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी एक लेडी का फेस। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम विमेन फीचर्स जो होते हैं वो किस तरीके से मधुबनी पेंटिंग में हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रही हूँ निब की हेल्प से। अगर आप निब के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप परमानेंट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट पेन से ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको पहले पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं और ट्रेस भी कर सकते हैं। तो ट्रेस करने के बाद आप उसको परमानेंट मार्कर से फाइनल टच दे सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि मधुबनी पेंटिंग में परमानेंट मार्कर ही यूज़ करें, वरना अगर आप नॉर्मल जेल पेन या नॉर्मल स्केच पेन से ड्रॉ करेंगे तो जब आप वाटर कलर इसमें करेंगे या एक्रिलिक कलर कोई भी कलर करेंगे तो उसके कॉन्टैक्ट में आकर वो फैल जाएगा और आपकी पेंटिंग को बहुत ही भद्दा लुक देगा। तो इसलिए हमेशा परमानेंट मार्कर यूज़ करें।
Thank you.
यहाँ पर मैं स्किन कलर कर रही हूँ, और स्किन कलर बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक 2 ड्रॉप्स वाइट कलर और उसमें बिल्कुल पिंच ऑफ ऑरेंज कलर, तो उससे आपको आपका स्किन कलर मिल जाएगा। Thank you.
Thank you.